एलन मस्क टेस्ला के सीईओ ने 3 बार शादी की, सभी की तलाक डाइवर्स हो चुकी है, तीनों में 12 बच्चे हैं। पहले वाली पत्नी से एलन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी जेवियर पहले लड़का था, जेंडर यानी लिंग चेंज कराने के बाद लड़की बन गई। उसकी उम्र 20 साल की है। 2022 में जब अदालत में अर्जी दर्ज कराई तो अपने पिता से रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। 50% बड़े बड़े बिलीनियर्स की शादी के बाद फाइनली तलाक ही हो जाती है। हॉलीवुड की एक एक्टर रॉबिन्स विलियम्स की मौत खुदकुशी किस कारण से की? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल आत्महत्या बढ़कर 14% क्यों होगी? जिंदगी में कुछ बनना है तो सेल्फ इमेज बनाओ, उससे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। मरते वक्त एक भी इंसान ने यह अफसोस नहीं किया कि काश उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया। पैसे के बारे में आपको पता चल जाना चाहिए कि पैसा आपके बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं, भोजन दे सकता है पर भूख नहीं, और ऐशो आराम दे सकता है पर सुकून नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी है रोचक जो बिजनेसमैन और मछुआरे की, आपको ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए। एक दिन एक मछुआरा समुद्र के तट के रेत पर लेटा हुआ था, धूप का आनंद ले रहा था। मछलियां पकड़ने के जाल उसके पास ही पड़ा था, गीत गा रहा था। मछुआरा निश्चित था कि वह मछलियां पकड़ने के मूड में नहीं था। उस समय एक बिजनेसमैन उसके पास से होकर गुजरा, वह भी अपने सभी कामों को छोड़कर समुद्र तट पर शांति के लिए 2 पल हासिल करने के लिए आया था। उसने मछुआरे की ओर देखा कि वह मछलियां पकड़ने की बजाय मस्त होकर गीत गा रहा है। बिजनेसमैन ने मछुआरे से पूछा, आप मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं, आप यहां रेट पर लेटने की वजह मछलियां पकड़ने में जुट जाना चाहिए। मछुआरे ने बिजनेसमैन की ओर देखा और पूछा, ऐसा करने में मुझे क्या हासिल होगा? अपने इस्तेमाल लायक मछलियां पकड़ लिया। बिजनेसमैन ने कहा, अधिक मछलियां पकड़े तो आपकी अधिक आमदनी होगी और मछलियां पकड़ने के बाद जाल खरीद सकते हो। और मछुआरे ने फिर पूछा, इससे क्या होगा? बिजनेसमैन ने जवाब दिया, आप ज़्यादा पैसे कमा लेंगे और एक नौकर रख सकेंगे, मछलियां पकड़ने के लिए काफ़ी मदद करेंगे और आपका व्यवसाय बढ़ता जाएगा। इस जवाब से मुस्कुराते हुए मछुआरे ने फिर वही सवाल किया, इससे इनसे कहा, पैसा क्या करेंगे, वैसे भी मैं ठीक हूँ। इस बार बिजनेसमैन अपने सिर पकड़ लिया और लेकिन उन्हें धैर्य रखते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास 9 की बेरा हो सकता है, तुम दुनिया भर के मछलियाँ की बिक्री कर और बिजनेस कर सकेंगे, बड़ी संख्या में कर्मचारी तुम्हारे लिए काम करेंगे। मछुआरे ने फिर वही सवाल, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन तेजी से चिल्लाने लगा, और तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है, तुम समझना नहीं चाहते, अंदाज भी नहीं लगा सकते तुम कितने अमीर व्यक्ति बन सकते हो, फिर तुम्हारे जीवन में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इसी तट के आनंद पूर्वक बैठ सकते हो, वह भी बिना किसी चिंता और भाव के। मछुआरे ने हंसते हुए बिजनेसमैन की ओर देखा और उनसे पूछा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं कि मैं अभी किस चिंता में हूँ? अभी दुनिया की परवाह किए बिना समुद्र के तट पर परिकारित रूप से आनंद ले रहा हूँ, आनंदित होकर गीत गा रहा हूँ और सूर्यास्त तक मैं यहीं रहूँगा बिना किसी चिंता के। मछुआरे का चिंता मुक्त होकर आनंदित होकर इस काम को कर रहे बिजनेसमैन बोलते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार में जाकर के होटल में खाना खाओगे, ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, लग्जरी जैसे कार में घूमोगे, वाइन पियोगे, बोलते हैं कि मैं वाइन नहीं पीता और बड़े बड़े लग्जरी कार में नहीं घूमता, सिंपल ही ठीक है। मछुआरे क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी में ठीक हूँ, कोई लग्जरी कार की कोई ज़रूरत नहीं है, अमीर के पास पैसा है सुख चैन नहीं, गरीब के पास पैसा नहीं है, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, आराम की जिंदगी जियो, सब कुछ पैसे को ही न माने, धन से बिस्तर खरीद सकते हैं नींद नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वह ढंग से नहीं खरीद सकता, ऐसा बाकी सारी चीज़ पाने के लिए हमें धन की ज़रूरत होती है। हमें मालूम है कि वर्तमान समय में पैसे किस
सब कुछ नहीं है, परंतु सभी सांसारिक चीज़ों की खरीदने के लिए पैसे की बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, हमें सामाजिक सुरक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, मोबाइल, टीवी, गाड़ी, कपड़े खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। आज एक व्यक्ति समाज में अपनी आर्थिक हैसियत से जाना जाता है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धन की महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आधुनिकीकरण की सबसे आधारभूत आवश्यकता है कि जिसके बिना कोई भी अपनी दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। जीवन के लिए पैसा के महत्व सबसे ज़्यादा है। ऐसा बहुत से सारे लोग हुए हैं जो भौतिक रूप से गरीब है, लेकिन उनके विशाल और व्यक्तित्व के सामने अमीर लोग भी सर झुकाते रहे। एलन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी जेवियर सिकंदर मार्क्स ने अपना लिंग बदल लिया है। वह पुरुष से महिला बन गया। उसने अपने लिंग की पहचान को महिला करने अपना नाम बदलने की अनुरोध दर्ज कराई कोर्ट में। उनका कहना है कि अपनी जैविक पिता बायोलॉजिकल फादर के साथ नहीं रह सकते और ना ही उसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। 18 साल के हुए एलन मस्क की बेटी यानी कि 2 साल पहले ट्रांसजेंडर चेंज करवाए। उनकी माँ जस्टिन विल्सन और एलन मस्क की दोनों की बीच तलाक हो गई है। मास्क ने कहा कि वह शराब नहीं पीते, गांजा पीना नहीं जानते, लेकिन जब उन्होंने कहा कि देर रात पोस्ट करते समय वह लगभग हमेशा नशे से दूर रहता, डिप्रेशन के कारण केटामाइन ड्रग्स लेता हूं, यह ट्विटर पर खुलासा किया था सकूं। एलन मस्क की जीवन साथी के इतिहास, 2 पूर्व पत्नियां, 3 विवाह और कई ज्ञात वर्तमान में साथी अफेयर्स विलियंस ने याद किया कि एलन मस्क की 2000 ईस्वी में शादी कर ली और जस्टिन के 5 बच्चे पैदा हुए, 1 जुड़वा और 3 बच्चे। 2008 में अलग हो गए तलाक लेकर एलन मस्क की टेस्ला के सीईओ उसी समय बन गए 2008 में। मस्क अभिनेत्री तलवाहा रिले के साथ डेटिंग शुरू कर दी उसके तलाक के बाद। 2010 में शादी कर ली उसके साथ और 2012 में दोनों अलग डाइवर्स हो गई। फिर 2013 में शादी हुई, लेकिन 2016 आते आते एक बार फिर से तलालो रिले के साथ तलाक हो गया। एलन मस्क ने कई बार प्यार हुआ लेकिन उन्हें कभी शादी नहीं रचाई। तीसरी पार्टनर ग्रेमेस, फिर एलन मस्क ग्रेमेस के साथ लाइफ को आगे बढ़ाया और इनसे मस्क को 2020 में एक बेटा हुआ। 2021 में ग्रेम्स से अलग हो गए। 5 बिलियनियर्स यानी कि बड़े बड़े टॉपर्स बिलियनियर्स की लगभग डाइवर्स हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स से शादी के 27 साल बाद तलाक हो गया। दोनों ने कहा कि आगे की जिंदगी वह साथ साथ नहीं बिता सकते। जेफ बोजेस और मैंकिज बोजेस की तलाक डाइवोर्स हो गई है। अमेजन के फाउंडर जेफ बोजेस और उनकी पत्नियां मैकेंजी बोजेस पैसे से अमीर हुई है, तलाक के इमेज में मिला है। मैकेंजी की कुल संपत्ति 2.70 लाख करोड़ रुपया है कि वह अपनी दुनिया के 22वीं सबसे रईस शख्स बन गई है। तीसरी नंबर पर बिल और मिसोग्रास की तलाक। बिल और सुक्रोज के तलाक 2016 में मिशो ग्रेस ने अपनी पति बिल से तलाक लेने के बाद कोर्ट में आवेदन किया। एक्टिव और एलन वी तलाक 2010 में दूसरी बार तलाक लिया और ओल्ड होम यानी कि 5वां ओल्ड होम सुहाना के तलाक करीब 3 साल बाद डाइवर्स हो गए। यानी कि बड़े बड़े बिलियनर्स की लगभग 50% से ऊपर जो लगभग डाइवर्स हो ही जाती है। 7 अरब डॉलर के मालिक धीरू भाई अंबानी जुलाई 2002 में निधन हो गया। उसके बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष बने, अनिल और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नवंबर 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल के झगड़े सामने आया। जून 2005 में दोनों की बंटवारा हो गई और मुकेश अंबानी के टेलीकॉम मिला और रिलायंस इंफ्रा काम छोटा भाई अनिल के हिस्से में आ गई। प्रत्याशी बनर्जी सुसाइड कर ली टीवी एक्ट्रेस। प्रत्याशी बनर्जी का सुसाइड डिप्रेशन का कारण हुई है। हॉलीवुड के एक्टर रॉबिन विलियम्स की मौत खुदकुशी के कारण हुई थी। ऑस्कर विजेता रॉबिन विलियम्स अपने 63
साल के थे। अमेरिका में पिछले साल सबसे ज़्यादा सुसाइड रिकॉर्ड बढ़ते डिप्रेशन के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका में आत्महत्या करने की घटना पिछले साल रिकॉर्ड में तेजी बढ़ती गई देखने के लिए मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक साल में अमेरिका में लगभग 49,500 लोगों ने अपनी जान ले ली, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है। फ्लोरिडा 45 साल की माँ, उनके बेटे पिछले साल खुद को गोली मार ली। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को मरने नहीं चाहिए था, मुझे पता है कि लेकिन हम कुछ करने के सक्षम होना होगा। सेल्फ इमेज, स्वयं को पहचानने और पुरस्कृत करें, दूसरों से अपनी तुलना न करें। ऐसा न करने से मुश्किल है, हम दूसरे से कैसे तुलना करते हैं तो हम हमेशा निराश की स्थिति मिलेंगे। हमेशा कोई ना कोई हमसे बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा अमीर होगा। अपनी आत्मा छवि को निर्माण इस आधार पर करें कि अपने अब तक की क्या हासिल किया, सिर्फ अपने आप से ही कर ले कि तुलना की बेहतर बनाने का प्रयास न करें। दैनिक जीवन के प्रतिज्ञा के हर दिन अपने आप को उन चीज़ों को याद दिलाएं जिनकी आप खुद से सराहना करते हैं। छोटी छोटी उपलब्धियों को भी दिमाग में जगह देनी चाहिए। अपने आसपास ऐसी लोगों की आपकी सराहना करें कि आपको रचनात्मक और ईमानदार प्रतिक्रिया दे सके। दूसरी ओर प्रशंसा के प्रोत्साहित की अपेक्षा करना बंद करें, उन्हें स्वयं को देना शुरू करें। नैतिक शिक्षा हीरे की मौजूदगी में छोटी छोटी खामियां ही उसका मूल्य साबित करती है। आप अपनी छवि के बारे में स्वयं निर्णय लें। मौत के बाद किसके दिमाग में क्या क्या अंतिम मकसद था, इसके बारे में खुलासा करते हैं। सिर्फ मौत के वक्त दिमाग में निगरानी करना बंद। हम जानते हैं कि मौत के वक्त शरीर में खून की प्रवाह रुक जाती है, इसलिए दिमाग की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरी सेरेब्रम इसमें नम की इस स्थिति में जरूर रासायनिक अवयव कम हो जाती है, जिससे दिमाग की इलेक्ट्रॉनिक और एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तीसरा, यह मानना जाता है कि दिमाग के शांत होने की यह प्रक्रिया इसलिए अम्ल आती है क्योंकि भूखे न्यूरॉन अपनी ऊर्जा संरक्षित कर लेती है, लेकिन उनका ऊर्जा संरक्षित करना किसी काम नहीं आता क्योंकि मौत आने से पहले वह कोशिकाओं को छोड़कर अलग हो जाती है, जिससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आपूर्ति कमजोर पड़ जाती है। यह वह जटिल जैविक रासायनिक है जो पूरे शरीर में ऊर्जा स्टोर करता है, ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दिमाग दौड़ रहा होता है, मौत के पल में उसने जीवन जीने के दौरान दूसरे पर किए रिसर्च, हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स की बात करें जो अक्सर मौत के दौरान अपने मरीज के पास होती है, तो व्यक्ति मरने से पहले बहुत ही शांत रहते हैं और कोशिश करते हैं। उसके दौरान उसकी दिल बहुत ही बड़ा हो जाता है और उन सभी बातों पर पोल खोलती है जिनके बारे में अब तक उसने किसी को नहीं बताया था। यही नहीं कि वह मृत्यु से पहले रिग्रेट भी करते हैं, उसकी ज़िंदगी वह सब चीज़ों क्यों नहीं हो सकी जिसके लिए वह उस दुनिया में आया था। रिग्रेट करते हैं जो उसके साथ नहीं हुआ। प्रकाश डालते हैं जिन्हें व्यक्ति के मरने से पहले एक बार जरूर याद करता है। सपनों में अपना पूरा न होने का खेत या मरने से पहले जताता है। जब इंसान को लगता है कि इसकी वह आखिरी वक्त चल रहा है तो उन सभी बातों को फ्लैशबैक में जाकर याद करते हैं जिसको उसने या तो अधूरी छोड़ दिया या फिर शुरू ही नहीं किया। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ। मरने से पहले इस तरह से ख्याल हर किसी के अंदर आता है, खासकर पुरुष खिलाड़ी। अक्सर जिम्मेदारी अक्सर पुरुषों के कंधों पर होती है और ज़्यादातर वही अपने परिवार के अच्छे बुरे लाइफ स्टाइल के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे कि काश मैं उसे अपनी फीलिंग बता देते, आज वह मेरी होती और अपनी फीलिंग न बताने की वजह से ही मेरे दोस्तों ने मुझे गलत समझा। आज इस तरह से फीलिंग करने से पहले भी इंसान को सताती है, काश मैं दोस्त के साथ दोस्ती निभा सकते। इस तरह के एहसास व्यक्ति सबसे ज़्यादा होता है जिसने अपने ज़िंदगी में अपने दोस्तों की मुसीबत के समय धोखा दिए या फिर अपने दोस्तों की होने की फर्ज निभाया हो। और मौत होने से पहले वही व्यक्ति खेद जताते हैं कि अपनी ही दोस्ती से क्षमा मांगना
चाहेंगे तो उससे पहले व्यक्ति खुद के बारे में भी विचार करते हैं। मान्यता है कि दान देने से पुण्य की कर्मों की वृद्धि होती है और दान की फल आपके केवल उसकी जन्म ही नहीं बल्कि कोई जन्म तक भी मिलती है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी दिए गए दान फल प्राप्त होता है, स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जकात क्या है? जकात इस्लाम के इस नियम के बारे में आप कितने जानते हैं? जकात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक इस्लाम धर्म को मानने वाले अनुसार 622 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना गए और उन्होंने इस्लामी राष्ट्र व्यवस्था की शुरुआत की, तब से देश में जकात प्रणाली भी शुरू की गई। लेकिन जकात यानी दान डोनेशन किस तरह से और कितनी जकात देनी चाहिए, यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट जरूर करना।